तो आज इंडियन आइडल का मुंबई ऑडिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसके आज मैं आपको फुटेज, फोटोज और लाइव वीडियोस को दिखाने वाला हूं और उनको साथ में डिकोड करके भी दिखाने वाला हूं। इन फुटेज और वीडियोस को देखने का क्या फायदा है, सेम ऐसा ही ऑडिशन दिल्ली में भी होगा, तो ये वीडियोस आपकी दिल्ली ऑडिशन के अंदर हेल्प करने वाले हैं। तो मुंबई का ऑडिशन मैंने जैसा आपको बताया था ठीक वैसा ही हुआ, सारी चीजें ठीक वैसी हुई और उसके कुछ वीडियोस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर किए हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप भी उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और एक सिंगर कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर हमारे मेंबर्स ने फोटोज और वीडियो को शेयर किया है। तो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करके बताता हूँ। तो ये है सुबह सुबह इंडियन आइडल के ऑडिशन की लाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुंबई के ऑडिशन में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, तो उसकी लाइन बहुत ज्यादा लंबी लगती है और सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं और रात से ही लोग जो है लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे भाई जिन्होंने ये सब चीज़ें शेयर की है और इसके बाद लाइनों को अंदर भेजते हैं। ये देखिए, लड़कियों की लाइन अलग है और बॉयज़ की लाइन अलग है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो मुंबई का ऑडिशन है उसके अंदर शूटिंग होती है और वो शूटिंग जो है डायरेक्ट टीवी पर आती है। ये देखिए, उसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ शूटिंग का। तो ये देखिए, मुंबई का जो ऑडिशन है उसकी शूटिंग हो रही है और सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो है कैमरा में कवर हो रही है और ये जो शूटिंग है टीवी पर आती है। लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं टीवी पर आए, क्योंकि जो चैनल है इन फुटेज को देखता है और छाटता है। और इंडियन आइडल का एक सीजन तो ऐसा भी गया था कि जब सारी फुटेज को ही काट दिया गया था, जिसमें एंकर ने भी एक्टिंग की थी, उन सारे फुटेज को काट दिया था। चैनल को अच्छा लगता है तो ही वो फुटेज को रखता है, नहीं तो काट देता है। तो आपके इन फुटेज के टीवी पर आने के 2% से भी कम चांस रहते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा ऊपर चलेंगे तो अब आप फॉर्म वगैरह भर देते हैं। देखिए, इस तरह से शूटिंग वगैरह सारा काम हो रहा है, प्रोफेशनल शूटिंग होती पूरी। और इसके बाद जब आप फॉर्म वगैरह भर देते हैं तो आपको अंदर इस तरह से वेटिंग एरिया में बैठाया जाता है। ये देखिए, ये पूरा वेटिंग एरिया है, तो यहाँ पर आपको बैठा देते हैं। और देखिए, यहाँ पर आप फुटेज देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है और यहाँ पर से ही आपको 10-10 किलो में भेजते हैं अंदर की तरफ। आपको यहाँ पर बैठा के रखते हैं जब तक बाइक का नंबर आता रहता है। इसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपको यहाँ से अंदर भेजते हैं। और ऑडिशन का रूम का तो आपको फुटेज नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर से आपको 10-10 किलो में अंदर भेजेंगे। तो इस तरह से कुछ ऑडिशन रहा। और मुंबई में आज बारिश भी काफ़ी तेज़ रही, आप देख सकते हैं कि मतलब सारा माहौल वगैरह गीला वगैरह हो गया है। तो आप इस तरह से आपसे तैयारी करके रहिएगा कि बारिश का मौसम चल रहा है तो आपको बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है। तो लोगों ने यहाँ पे छाते वगैरह लिए हुए हैं, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में 3 चीज़ें बताई थी कि पहला कंपटीशन बहुत हाई रहेगा इसलिए आपको जल्दी जाना पड़ेगा, दूसरी चीज़ वहाँ पे शूटिंग होगी इसलिए आपका एनर्जी लेवल कम हो सकता है, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी राउंड प्रोसेस में थोड़ा फर्क रहेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सक्सेसफुल साबित हुई है, तो आप इन चीज़ों से सीखो। और इस तरह से कुछ ऑडिशन होगा दिल्ली में भी, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन तैयार रखो, क्योंकि वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहने वाला है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मगनी, जय हिंद।